आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे FLF फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन एंड FEL फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में। आपको शायद न्यूज का पता लग ही गया होगा जो खबर आई है, पर उसका रिएक्शन आप देखेंगे यहाँ पर, स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली। स्पेशली न्यूज जो भी कभी कभी स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक के बारे में न्यूज आएगी दोस्तों, तो आपको पहला 15 मिनट से एक घंटे का टाइम जो होता है वो क्रिटिकल होता है। 15 मिनट में ही एक्चुअली सब पता लग जाता है कि आगे की क्या प्रक्रिया होगी। तो इसका विश्लेषण भी करेंगे, न्यूज को समझेंगे और थोड़ा चार्ट का एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपकी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए इस स्टॉक में फ्यूचर के लिए, आगे की क्या कंपनी बन सकती है, आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और सीसीआई का भी अपडेट देंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट से, तो आज का इसका 15 मिनट का चार्ट अगर उछालें तो देखिए, यहां से मॉर्निंग की 15 मिनट की कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट थी। गैप डाउन खुलना था, ये वीडियो में हमने अपने कल ही अपलोड कर दिया था जब हमने फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स को ट्रैक करते हैं, तो इसके सिलसिले में आज ये फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन का वीडियो बना रहे हैं। तो यहां से ये खुला करीब करीब 82 के आसपास, नीचे का लो लेवल बनाया 81 तक, और फिर उसी 15 मिनट में इसने यहां पर 85 के आसपास बाउंस बैक किया है, और फिर सारे दिन उसने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है यहां पर, और बाद में जाते जाते एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनाई है अपनी पूरी यहां के टाइम के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम यही है। तो इट वॉज एज एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट हमने अपने चैनल पर क्लियर कट बोला था, प्लीज डू नॉट गेट पैनिक, इट विल नॉट गो बिलो द लेवल ऑफ क्लोजिंग बेसिस कि आपको सेल करना पड़े। अगर कुछ पोजीशन होती तो हम बीच में वीडियो अपलोड करते, पर अब मार्केट क्लोज हो चुका है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि किसी भी फ्यूचर ग्रुप के शेयर को आपको अभी सेल करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर रिटेल के हमने 2 वीडियो ऑलरेडी लोड कर दिए थे, कल रात को एक किया था और आज एक मॉर्निंग में मार्केट खुलते के साथ ही आधे घंटे के अंदर हमने पूरा एनालिसिस करके, ताकि बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल वर गेटिंग पैनिक, वी वर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज, तो उसके लिए हमारी ये सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने व्यूअर्स के लिए टाइम टू टाइम अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम we stopped our trading on that day in the morning and put the video for you guys so that you can understand and have it a better perspective from your side. चलिए आप चलकर एक और इसका एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म के रेफरेंस में। अगर डेली चार्ट पर देखेंगे तो डेली चार्ट में इसका जो हाई बना था 160 का बना था और गिर के ये नीचे तक जा चुका है, पर इसने जो पिछला लो है उस लो को रेस्पेक्ट भी किया, यहाँ पर 80 के आसपास का लो था पिछला जो रेस्पेक्ट किया है, क्लोजिंग बेसिस पर इसने आज अच्छा कैंडल दिखाया है ओवरऑल अगर देखें तो। अब ये चीज समझनी है आपको कि 10% सर्किल अनेबल हो गया है, तो यहां से आपको जब अपमूव शुरू होगा जो सीसीआई अप्रूवल आने के बाद में, तो अपमूव भी बहुत शार्प होगा, इस बात का ध्यान रखिए। प्रॉबेबली दिस इज द लास्ट वीक ऑफ पेशेंस टेस्टिंग फॉर द रिटेल पीपल, देन द गुड न्यूज विल स्टार्ट एंड यू विल हैव द अपर सर्किट स्टार्टेड। तो जैसा न्यूज में बताया गया है कि अमेजन ने इनको कोर्ट का एक नोटिस भेजा है कि जो इनका नॉन कम्प्लीट एग्रीमेंट था इनके थ्रू, जो फ्यूचर कूपन के थ्रू उन्होंने डील की थी, जिसके चलते हुए 7% के अप्रॉक्सीमेटली इनके पास इनकी होल्डिंग है फ्यूचर रिटेल की, तो उसके थ्रू उन्होंने नॉन कम्प्लीट क्लॉज डाला था, जिसमें ये भी क्लॉज को आपको पढ़ना है क्योंकि दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, यू डू नॉट हैव द फुल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, बट जो एक्सपर्ट्स हमें व्यू मिले हमारे ट्रेडिंग सर्कल में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, उनके बेसिस पर उन्होंने बताया है कि अमेजन की इस डील में, इस स्पेसिफिक कोर्ट केस में कोई ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि डील में क्लोज रहता है 3 साल तक के लिए, 3 साल तक में आप यू कैन डिफर इट एंड यू कैन डिले इट ऑल्सो, तो उस हिसाब से डील का क्लॉज इटसेल्फ इज सपोर्टिंग फ्यूचर ग्रुप। तो जहां तक उम्मीद है, नाउ द थिंग इज बिकॉज द सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव, तो यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जिसको खरीदना था उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर खरीदा होगा, 15 मिनट के रेफरेंस में पहली बात कर रहे हैं। और देखेंगे तो पहले जब हम, क्योंकि हम इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे, पहले 5 मिनट में ही इसका पूरा खेल समझ में आ गया था कि यहां से नीचे नहीं जाएगा। अब अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ की मार्केट कंपनी है, आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, पर अभी आपको ये समझिए कि करंटली हमारे शॉपिंग मॉल सब बंद थे, तो इनकी जो की इन्फॉर्मेशन आई है अभी इन्होंने थ्रू द सोर्सेस कि इसको अभी भी यहाँ पर थोड़ा लॉस हो रहा है, जो लॉस इज द ऑर्डर ऑफ इनका रिवेन्यू डिक्लाइन हुआ है करीब करीब 30% के आसपास इस क्वार्टर में, जो कि एक्सपेक्टेड है। आप अगर किसी भी कंपनी का देखें, सबका कंपनी का, स्पेशली जो पब्लिक डीलिंग्स करती हैं उन सब का रिवेन्यू डाउन है, इनफैक्ट टाइटन का ओवरऑल रिवेन्यू डाउन है, तो टाइटन तो एक दिग्गज की तरह से है अपने सेगमेंट में, जब उसका भी रिवेन्यू डाउन हो सकता है तो आप समझिए फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन की जो न्यूज़ है कि इसका रिवेन्यू डाउन है, दैट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन ऑल दीज प्राइसेस करेक्शन जो मार्केट ने पहले ही प्राइस करेक्ट कर लिए थे। अब अगर देखेंगे इसके सेल्स के नंबर, तो 85 के
के आसपास की इसकी सेल्स थी 85 करोड़ की पिछले क्वार्टर में, और जिसकी ऑपरेशनल एक्सपेंस उनके थोड़े ज़्यादा थे, तो जिसकी वजह से 3000 करोड़ का उनको नुकसान था, 300 करोड़ का नुकसान था। अब अगर देखें कि सीसीआई का अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है, और हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग दिल्ली का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है, अब बैंगलोर के रिव्यू चल रहे हैं उनके पास में, क्योंकि सारी जगह नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ मेट्रो सिटी सेलेक्ट करके वो लोग वहां पर रिव्यू करेंगे प्रोसेस के थ्रू। किराना स्टोर्स आसपास सबके पास होते हैं, तो उसके हिसाब से ये रिव्यू प्रोसेस उनका स्टैंडर्ड प्रोसेस है, और जब हमारी एक्सपेक्टेशन है दशहरे तक आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। अब अगर सुपर ट्रेंड के बेसिस पर देखें तो क्लियरली इसने थोड़ा सा एक डिप लगाया है यहाँ आज की क्लोजिंग के बेसिस पर, जो कि एक थोड़ा सा सावधान होने वाली बात है। 100 रुपये के आसपास का इसने एक स्टॉप लॉस मान के रखा हुआ है, यहाँ पर 85 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली क्लोज हुआ है मान के चलिए। यहाँ पर हमारा फेवरेट इंडिकेटर बुलियंजर बैंड काफ़ी सही काम कर रहा है, इसने बताया था कि यहाँ तक रहेंगे हम आज, और वो वहीं तक ही गया, उसके बाद उसने बाउंस बैक किया है। इसका पहला टारगेट है ऊपर जाने के लिए 95 का, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन को 95 तक अप्रोच करना है आगे आने वाले टाइम के लिए। अब यहीं फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन का अगर हम मैकडी को देखें, तो मैकडी ने पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है, जो अभी भी इसने मेंटेन किया हुआ है। अगर कल ये यहाँ से पॉजिटिव चलता है तो मैकडी के बेसिस पर ये ऑलरेडी बाय सिग्नल में आ चुका है दोस्तों। तो समझिए हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्राइस में रहती है। जब सीसीआई का अप्रूवल आना शुरू होता है तो काफ़ी लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंगली ये लास्ट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग चल रहा है उनका, जिसके थ्रू अप्रूवल न्यूज़ बहुत जल्दी आ जाएगी। दशहरे तक हमारी उम्मीद है कि ये आ जाना चाहिए, तो ये प्राइस में आपको अपने आप दिखाई देगा। मैकडी का 3 दिन पहले से बाई सिग्नल करना एक क्लियर सिग्नल है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन को अपने पास होल्ड रखने के लिए। यहाँ पर हमारा अदर इंडिकेटर है एलिगेटर इंडिकेटर, जिसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि यहाँ से आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है। तो अभी भी ये थोड़ा सा नीचे की तरफ को डाउनवर्ड प्रेशर है, जब तक 92 इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक ये नीचे ही रहने की उम्मीद है। अब इसके साथ में हम जरा FEL की भी बात करते हैं, क्योंकि हमने बात किया था FEL का भी, ओवरऑल कंपनी जो पेरेंट कंपनी होगी मर्ज होगी वो FEL की होगी। FEL का आज शुरू से ही थोड़ा सा प्रेशर रहा, नीचे लॉक रहा डाउन सर्किट में। अगर इसको एक घंटे के चार्ट पर देखेंगे, सॉरी एक दिन के चार्ट पर देखेंगे, तो आज भी थोड़ा सा इस पर प्रेशर चल रहा है। 13 रुपये से गिरकर ये करीब करीब 11 रुपये के आसपास आया है, और यहाँ जो इसने क्लोजिंग की है वो अपने ऑलमोस्ट लास्ट डे के लो के लेवल पर की है। अब ये यहाँ पर भी एक डबल बॉटम बन जाएगा शायद किसी तरह से, अगर ऐसा है तो यहाँ से अगर कल इसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया है तो यहाँ से डबल बॉटम बन जाएगा। उम्मीद ये भी है, हो सकता है कि वीकेंड पर भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, तो इसकी वजह से लोग बाग यहाँ पर और शॉर्ट नहीं करेंगे इसको। हमारी उम्मीद है फ्राइडे को थोड़ा सा पॉजिटिव कैंडल बनेगी इसमें, यहाँ से आज के लेवल से 11 रुपये 20 पैसे से ऊपर जाकर बंद होना चाहिए यहाँ पर फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड की बात करें तो। सीसीआई का अप्रूवल ऑलरेडी बोला है जैसे प्रोग्रेस में है, और उम्मीद है दशहरे तक इसका अप्रूवल आ जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 45% है, जो कि ज़्यादातर प्लेज्ड है। इसमें DII की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब टोटल DII की होल्डिंग 25% है, और इसकी वजह से देखिए रिलायंस अपने आप को रिटेल किंग बनाना चाहता है, तो उसको अब कोई नहीं रोक सकता है। उसने ज़िवामी भी खरीदा है, और ज़िवामी और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन को मिलाकर एक अच्छी अप स्टैंडर्ड की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेगा फॉर फ्रेंचाइजी क्लोथ्स। हम टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अब ऑप्शन क्या होगा FLF की अगर बात की जाए, हम लोग यहाँ पर जो ये डील हो रही है अमेज़न के बात में, तो क्योंकि उनके क्लॉज में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। दूसरा, ये आर्बिट्राइजेशन कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि रिलायंस मिलेगा साथ में, अमेज़न मिलेगा साथ में, फ्यूचर ग्रुप मिलेगा साथ में, और साथ में एक कॉमन पर्सन जो इन तीनों का कॉमन होता है, जनरली बैंकर्स, वो लोग, क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी अगर आप बिजनेसमैन को देखें, वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू लिव लाइफ हैप्पीली, तो कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे और बात करेंगे, हाँ भाई आपके पास 7% का स्टेक है फ्यूचर रिटेल का, आप बताओ रिलायंस ने आपको इतना ऑफर दिया था, आप उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको क्या ऑफर, अपना क्या आपको ऑफर चाहिए, आप बताइए इसके पैसे के लिए। सबको कैश चाहिए उसके बाद में, क्योंकि जब रिलायंस को पूरी तरह टेक ओवर करेगा, अमेज़न को एज सच रिलायंस के साथ ऑलरेडी डील है, तो ये सब एक गिमिक होती है रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक कराने के लिए। आपने देखा है रिटेल इन्वेस्टर के पास काफ़ी स्टॉक होल्डिंग है, ये लोग बड़े ऑपरेटर जो हैं ये न्यूज़ को इस तरह से यूज़ करते हैं ताकि पैनिक क्रिएट हो और रिटेलर उसमें भागे। इसीलिए हमने रात को भी एडवाइस किया था, और मॉर्निंग में भी जैसे ही हमारा 15 मिनट का चार्ट बना हमने आपको बता दिया था कि प्लीज़ डू नॉट पैनिक एंड डू नॉट सेल एनी ऑफ योर फ्यूचर ग्रुप होल्डिंग अनटिल इसका इवनिंग के टाइम पे लोअर लेवल पर क्लोजिंग होता है, जो कि दोनों में से किसी का नहीं हुआ है। हमने फ्यूचर रिटेल को भी क्लोजली ट्रैक किया और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन को भी ट्रैक किया है। तो अब आगे चलकर इसकी आर्बिट्रेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद में ये यहाँ से सेटल हो जाएगा। दैट्स हाउ इट विल प्ले आउट। दिस न्यूज़ इज digested now in the market with a result of FEL down by about 5%. Same case for FLF down about 5%. Future retail थोड़ा सा ज़्यादा down है, उसकी उम्मीद यह है कि कल को वो थोड़ा सा तेज़ी से चलना शुरू करेगा आगे आने वाले time के लिए। हमें लग रहा है
कि कुछ संकेत ऐसे हैं कि हो सकता है कुछ हल्की पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर वीकेंड पे भी आ जाए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा संभल के रहिए. डू नॉट सेल ऑफ योर होल्डिंग्स एंड कंटिन्यू टू डू द गुड वर्क वॉट यू हैव बीन डूइंग फॉर दिस स्टॉक. ये आपका लेवल बताएगा जो हमने बताया है. दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करना. इसका रेशियो जो है 10:116 है, तो मेक श्योर कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लायर ऑफ 10 है. हर कंपनी के फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक के आपके पास मल्टीप्लायर 10 होना चाहिए. निफ्टी बैंक निफ्टी की हम एक्टिव इंट्राडे ट्रेड करते हैं. अगर आपको ये सर्विस पेड सर्विस चाहिए 8,000 रुपीज़ चार्जेस से मेल ड्रॉप कर सकते हैं. और इसका टारगेट जो अगर आप सिंपल कैलकुलेशन से करें उस रेशो के बेसिस पर 288 के आसपास आता है. हमारे हिसाब से जो हमने अपना टारगेट दिया हुआ है हम उतना ही टारगेट रखेंगे. 205 का टारगेट हमने फ्यूचर लाइफस्टाइल का बताया है अपने हिसाब से, वो आपको फ्यूचर लाइफस्टाइल का टारगेट उतना मिल जाना चाहिए. जब सीसीआई का अप्रूवल आएगा तो यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ट्रेंड शुरू होगा. दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें हमारे चैनल को चुना है. अगर कोई कमेंट है तो फीडबैक में डालिए. अदरवाइज आपके डिजिटल प्रोफाइल के बेस पर गूगल ने हमें ये बताया कि 4 वीडियोस आपको मोस्ट सूटेबल हैं. आपको जो वीडियो अच्छा लगे उसको देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. बाय गाइज.